नेक्स्ट टाइप नंबर 6, यदि 11 संतरे 9 रुपए में खरीदे जाते हैं और 9 संतरे 11 रुपए में बेचे जाते हैं, तब लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। If 11 oranges purchased at 9 rupees and 9 oranges sold at 11 rupees, find profit or loss percent। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको कि यहाँ पे 11 oranges 9 रुपए में खरीदे जा रहे हैं और यहाँ पे 9 oranges है, यानी संतरों की जो संख्या है वो अलग दी हुई है। तो आप नॉर्मली क्या करते हो पहले कि 11 संतरे 9 रुपए में खरीदे गए, फिर आप यहां से निकालोगे कि एक संतरे का क्रय मूल्य कितना है, एक संतरा कितने रुपए में खरीदा जाएगा, तो 11 नीचे आ जाएगा यानी 9/11 रुपए में। ऐसे ही 11 संतरे 9 संतरे 11 रुपए में बेचे जाते हैं, 9 संतरे 11 रुपए में बेचे जाते हैं, तो एक संतरा कितने में बेचा जाएगा, तो 11/9 रुपए में। फिर ये आपका क्रय मूल्य हो गया और ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। अब लाभ निकालने के लिए आप इसमें से इसको घटाएंगे, तो ये क्या है कि फ्रैक्शन में जाएगा और फ्रैक्शन में भिन्न में क्या है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाती है। तो इसलिए अगर हमें फ्रैक्शन से बचना है तो इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है वो देखिएगा। संतरों की संख्या देखो, आपने यहाँ पे संतरों की संख्या समान की है, यहाँ पे भी एक संतरे का क्रय मूल्य निकाला है और यहाँ पे एक संतरे का विक्रय मूल्य निकाला है, तो संतरों की संख्या ही तो समान करनी है, वो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या, 11 संतरे 9 रुपए में खरीदे जाते हैं, ये क्रय मूल्य की बात चल रही है, और 9 संतरे 11 रुपए में बेचे जाते हैं। अब देखो 11 और 9 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होता है, LCM, लघुत्तम समापवर्तक 11 और 9 का होता है 99। तो हम 99 संतरे खरीद लेते हैं और 99 संतरे बेच देते हैं। अब 99 संतरे कितने रुपए में खरीदे जाएंगे, अब यहां 99 संतरे बनाने हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 9 से, तो इसका मतलब 99 संतरे कितने रुपए में खरीदे गए, 81 रुपए में। यहां पे 99 बनाने के लिए कितने से गुणा की जाएगी, 11 से, तो 99 संतरे कितने रुपए में बेचे गए, 121 रुपए में। 81 रुपए में खरीदा है, 121 में आप बेच रहे हो, तो लाभ कितने रुपए का हुआ, 40 रुपए का। और यहां से अगर हमें लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, 40 से काटा, लगभग में सोल्व कर लीजिए इसको, लगभग में कितना आ जाएगा ये 50%, 50% अप्रोक्सीमेट लगभग। अभी इस क्वेश्चन को देखो, कई स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा सर लघुत्तम कैसे लेंगे, हमें तो लघुत्तम लेना भी नहीं आता। नहीं आता है तो इसका दूसरा तरीका और देख लीजिए कि 11 संतरे कितने में थे, 9 रुपए में, और 9 संतरे कितने में थे, 11 रुपए में। लघुत्तम लेना नहीं आता है तो आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 गुणा 9 कितना हो जाएगा, 81 रुपीस, 11 गुणा 11 कितना हो जाएगा, 121 रुपए, और उसके बाद यही आ जाएगा, उसके बाद यही लाइन है, तो यहां से भी आंसर कितना आ जाएगा, 50%। टाइप नंबर 6 के ऊपर सेकंड क्वेश्चन, यदि 6 सेब 90 रुपए में खरीदे जाते हैं और 5 सेब 80 रुपए में बेचे जाते हैं, तब लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इफ 6 एप्पल्स परचेज्ड एट ₹90 एंड 5 एप्पल्स सोल्ड एट ₹80, फाइंड लॉस और गेन परसेंट। देखो इस क्वेश्चन को आप जो पहले तरीका बताया उससे भी कर सकते हो, और अगर एक वाले से करोगे तो ये क्वेश्चन उससे भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शंस में नहीं आएगा, भिन्न में नहीं आएगा, यानी आप इसको ऐसे कर सकते हो, 6 सेब 90 रुपए में खरीदे जाते हैं तो एक सेब कितने में खरीदा जाएगा, 90 को 6 से भाग दे दोगे यानी 15 रुपए में। ये आपका क्रय मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस। ऐसे ही 5 सेब कितने रुपए में बेचे जाते हैं, 80 रुपए में, तो एक सेब कितने में बेचा जाएगा, 80/5 यानी 16 रुपए में।
15 में खरीदा, 16 में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ? एक रुपए का। और लाभ प्रतिशत निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। 5 से काटा 3, 5 से काटा 20, 20 को 3 से भाग करोगे तो 6 से 2/3%। इस तरीके से भी कर सकते हो, और जो पहले तरीका बताया गया है आपको उससे भी कर सकते हो कि 6 संतरे कितने में खरीदे गए? 90 में। 5 कितने में बेचे गए? 80 में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 × 5 = 45, 450, 6 × 8 = 48, 480। लाभ कितने का हुआ? 30 का। और लाभ प्रतिशत लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, 30/450 गुणा 100। 0 से 0 कट गई, 3 से काटोगे तो 15, और इसके बाद यही लाइन आ जाएगी। टाइप नंबर 7, किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने से उतने ही रुपए का लाभ होता है जितना इसे 400 रुपए में बेचने से हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। द प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹600 इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹400। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। देखिए, कभी भी जितना उतना वाला क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देना है। मतलब 600 रुपए में बेचने से लाभ होता है, 400 रुपए में बेचने से हानि होती है, तो दोनों को, 600 को और 400 को, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए। तो 600 और 400 1000, 1000 को 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा ये? 500। अब ये आता कहाँ से है वो भी आपको बता देते हैं, लेकिन आपको पेपर में पूरा प्रूफ सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। बस आप शॉर्टकट डायरेक्ट याद रखेंगे कि जितना उतना वाला कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देना है। अब इसने कहा है कि जो लाभ है वो हानि का, वो हानि के बराबर है। अब मुझे पता है कि लाभ क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस इसने कुछ ना कुछ दिया हुआ है, पहले वाला सेलिंग प्राइस तो है, मैंने SP1 लिख दिया इसको। हानि क्या होती है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो इसको सेलिंग प्राइस 2 दिया हुआ है इसने। अब ये माइनस वाला पार्ट इधर जाएगा तो सेलिंग प्राइस फर्स्ट प्लस सेलिंग प्राइस सेकेंड इज इक्वल टू माइनस का CP बराबर के इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और एक CP पहले से है तो ये हो जाएगा 2 CP, और ये 2 नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो सेलिंग प्राइस फर्स्ट प्लस सेलिंग प्राइस सेकंड अपॉन 2। और इसी का यूज मैंने किया है कि जितना उतना वाला क्वेश्चन कभी भी आता है तो आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है। टाइप नंबर 8, ए एक रेडियो बी को 10% हानि पर, बी सी को 20% लाभ पर, और सी डी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि डी ने 27,000 रुपये अदा किए हों तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट 10% लॉस, बी सेल्स इट टू सी एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, एंड सी सेल्स इट टू डी एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। इफ डी पेज ₹27,000, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। तो देखिए, यहाँ पे ए का मूल्य पूछा है और डी का मूल्य दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके प्रतिशत वाले चैप्टर में, परसेंटेज वाले चैप्टर में भी आते हैं। वहाँ पे एक टाइप आती है जनसंख्या संबंधित प्रश्न, आप मेरे परसेंटेज के वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे ये टाइप मैंने सॉल्व करवा रखी है, क्वेश्चंस रिलेटेड टू पॉपुलेशन। और वहाँ पे भी एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि बाद की जनसंख्या निकालने के लिए 100 सदैव नीचे रखना है, जबकि पहले की जनसंख्या निकालने के लिए 100 सदैव ऊपर रखना है। इस लाइन को नोट कर लीजिए ध्यान से, कि बाद की जनसंख्या निकालने के लिए 100 सदैव नीचे रखना है, जबकि पहले की जनसंख्या निकालने के लिए 100 सदैव ऊपर रखना है। अब यहाँ पे देखिए, ए का मूल्य निकालना है और हमें डी का मूल्य दिया हुआ है, तो डी का मूल्य दिया हुआ है 27,000, डी का मूल्य दिया हुआ है, डी ने कितने पैसे दिए, और ए का पूछा है, तो पहले वाला पूछा गया है यहाँ पे, तो पहले वाला पूछा गया है तो 100 कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो ऊपर आएगा ये मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, 27,000 इंटू 100 बटे में,
10% हानि पर बेचा गया तो 90 में बेचा गया तो नीचे 90, दूसरे में 20% लाभ पे बेचा गया तो 120, तीसरे में 25% लाभ पर बेचा गया तो 125। लिखने का तरीका ये होगा, बस इसको सॉल्व करना है। ये जीरो ये कट गई, ये जीरो भी कट जाएगी। 9 से काटा 9 तीय 27, 30, 5 से काटा 5 छंग 30, 5 से काटा 25, 6 से काटा 6 दुनी 12, 25 से काटा 25 चौका 100, 2 से काटा 2 दुनी 4, 2 के आगे 4 जीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा गाइज इस क्वेश्चन का, 20,000। टाइप नंबर 9, किसी वस्तु को 16% लाभ के बदले 12% लाभ पर बेचा जाता है तब 232 रुपये कम मिलता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इफ ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 12% इन प्लेस ऑफ 16%, देन ही गेट्स रुपीज 232 लेस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। देखिए पहले क्या है कि 16% लाभ पर बेचता था, अब 12% लाभ पर बेचता है तो उसको 232 रुपए कम मिलता है, यानी 232 क्या हो गया, उन दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 16% और 12% दोनों के बीच में कितने का अंतर हो गया, 232 रुपए का, और प्रतिशत के रूप में कितने का अंतर है, 4%। तो हम कह सकते हैं कि 4% बराबर 232 रुपए, और क्रय मूल्य निकालना है तो 100% बराबर कितना, 232 बटे 4 गुणा 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 × 5 = 20, 3 × 4 = 32, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गाइस 5800 रुपए। टाइप नंबर 10 में आपको एक नोट ध्यान रखना है कि यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक को x प्रतिशत लाभ पर तथा दूसरे को x प्रतिशत हानि पर बेचा जाता है, तब वहां सदैव x स्क्वायर अपॉन 100% की हानि होगी, यानी ऐसे केस में कभी भी लाभ नहीं होगा, हमेशा हानि होगी। देखो अगर तरीके से करोगे तो ये लेंथी पड़ेंगे इस तरह के क्वेश्चंस, ये पूरा इक्वेशन बना करके सॉल्व किया गया है, लास्ट में जो डेरिवेशन आता है वो याद रखना आपको, x स्क्वायर अपॉन 100%। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स इज सेम, वन इज सोल्ड एट x परसेंट प्रॉफिट एंड सेकंड इज सोल्ड एट x परसेंट लॉस, देन देयर विल बी अ लॉस ऑफ x स्क्वायर अपॉन 100%। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह के मिलेंगे, जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं। यदि दो घोड़ों का विक्रय मूल्य समान है, एक को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाता है, तब कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ टू हॉर्सेस आर सेम, वन इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड सेकेंड इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20%, फाइंड ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट। तो डायरेक्ट आपको इस फॉर्मूले का यूज कर देना है यहां पे, क्योंकि लॉजिक्स पे जाओगे आप तो लेंथी पड़ेगा, इक्वेशन बनाओगे सॉल्व करोगे, तो डायरेक्ट x की जगह यहां पे 20 रख दीजिए, 20 का स्क्वायर अपॉन 100 सॉल्व कर लीजिए, 20 का स्क्वायर यानी 400 अपॉन 100, तो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 4%। इस तरह के क्वेश्चंस अभी आगे भी आएंगे, जैसे कुछ आपके माइंड में चल रहा होगा सर अगर यहाँ पे परसेंटेज अलग अलग हो, या 20% है यहाँ पे, 30% हो जाए या कुछ और हो जाए, तो उस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, वो लॉजिकली सॉल्व करवाए जाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, आपको मिल जाएंगे। लास्ट तक आप सारी वीडियोज देखते जाइए, पार्ट 5, 6, 7, 8, जब तक पूरी प्ले लिस्ट आप प्रॉफिट लॉस की देख लीजिए, आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ध्यान रखना ये मेथड आपको कब फॉलो करना है, जब यहाँ पे परसेंटेज सेम हो, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे 30, तो यहाँ पे भी 30, यानी दोनों जगह पे परसेंटेज सेम होना चाहिए, तभी आप इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट टाइप नंबर 11, यदि एक ही आय पहले वर्ष 10% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष भी 10% बढ़ती है, तब दो वर्ष में कितने प्रतिशत बढ़ेगी। इफ एज इनकम इंक्रीज फर्स्ट ईयर 10% एंड
it also increases in second year by 10%, then how much percent it will increase in 2 years? देखिए ये वाली टाइप भी आपकी प्रतिशत वाले चैप्टर में, परसेंटेज वाले चैप्टर में आ चुकी है। इस टाइप को समझने के लिए आप परसेंटेज वाली वीडियोज भी देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। और वहां पे हमने आपको लिखवाया है इसके लिए कि इस तरह के सभी क्वेश्चंस में आपको x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये प्लस माइनस दोनों लगा लीजिए यहाँ पे। आपको ये क्वेश्चन फॉर्मूले से भी बताएंगे और लॉजिक से भी बताएंगे। देखिए पहले साल 10% बढ़ती है, मान लीजिए टोटल इनकम उसकी 100 है, 10% बढ़ गई तो 100 पे 10% बढ़ाओगे तो 110 हो जाएगा। फिर 110 पे फिर 10% बढ़ाओगे तो 110 का 10% निकालोगे, 110 का 10% कितना आएगा 11, यानी 11 यहाँ पे बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा 121, तो टोटल कितना बढ़ गया ये 21%। अगर इसी को फॉर्मूले से करना है तो बढ़ती है तो इंक्रीजेज यानी प्लस, तो x की जगह प्लस 10, दूसरे वर्ष 10% बढ़ती है तो y की जगह प्लस 10, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में है तो प्लस इंटू प्लस, प्लस ही आएगा ऊपर 10 इंटू 10 बटे 100, ये कट गया 10 और 10 20, 1 गुणा 1 1, 20 और 1 21, तो यहाँ से भी आंसर 21% आ जाएगा। टाइप 11 के ऊपर सेकंड क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार माल खरीदते समय 10% लाभ तथा बेचते समय 20% ठगता है, वह कुल कितने प्रतिशत का लाभ उठाता है? अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% व्हाइल बाइंग एंड चीट्स 20% व्हाइल सेलिंग द टोटल गेन अर्न्ड बाय हिम। तो अभी मैंने आपको बताया था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वाले फॉर्मूले का यूज कर दीजिए इसमें भी। लॉजिक पे जाओगे, लेंथी पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगाओगे आंसर आ जाएगा 10% प्लस। अब देखो 20% ठगना, चीटिंग करना 20% का भी, यहाँ पे एक तरीके से क्या कमा रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो y की जगह क्या जाएगा 20%, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में तो प्लस 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 10 इंटू 20 बटे 100, सॉल्व कर लीजिए 20 10 30, 2 गुणा 1 2, 20 30 और 2 32, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 32%। टाइप नंबर 12, एक दुकानदार चावल 10% लाभ पर बेचता है और 20% कम माप का वजन प्रयोग करता है, वह कुल कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है? A shopkeeper sells rice at a profit of 10% and uses weights which are 20% less than the market weight. The total gain earned by him will be. तो देखिए इसमें भी जो आपको लास्ट टाइप कराई गई है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, इसी का प्रयोग करना है एक तरीके से। पहले 10% लाभ दिया हुआ है, अब दूसरा लाभ कितना है, अब ये 20% कम माप तोलता है, ये 20% लाभ नहीं है, ये वजन में कम तोल रहा है, तो कम तोलने की वजह से उसे लाभ कितना प्रतिशत होगा, ये टाइप नंबर 2 में भी बताया गया है। तो 20% कम तोलता है तो वास्तव में कितना तोला उसने, 80%, तो लाभ कितना होगा 20/80, क्योंकि लाभ किस पे निकलेगा, जो वास्तव में तोला गया है, तो 20% कम तोलने की वजह से उसे लाभ कितना हुआ 25% का, तो y की जगह पे आप यहां पे 25% रख देंगे प्लस 10 गुणा 25 बटे 100, 0 से 0 कट गई, 25 और 10 35, और 25 को 10 से भाग करोगे 2.5, तो आंसर आ जाएगा 37.5%, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 37.5। एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदता हो और 80 रुपये अधिक में बेचता हो तो उसे 20% का लाभ होता है, मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। A man sells a table at a profit of 10%. If he had bought the table at 5% less cost and sold for rupees 80 more, he would have gained 20%. Find the cost price of table. इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है ये, टाइप नंबर 13।
तो देखिए इसने क्या कहा है कि पहले वो 10% लाभ पर बेचता है, यानी 110% में बेचता है। क्लियर यहां तक? फिर इसने कहा है कि यदि वह इसे 5% कम मूल्य पर खरीदता, कोई भी राशि अपने का 100% खुद होती है, क्रय मूल्य 100% है, उससे 5% कम पर खरीदा है, यानी कितने में खरीदा, 95 में, 5% कम मूल्य पर खरीदता हो और 80 रुपए अधिक में बेचता हो, तो 80 रुपए अधिक में बेचता है, ये 80 रुपए एक तरीके से अंतर हो गया। अब ध्यान देना, ये 80 रुपए है और ये प्रतिशत है, तो ये 80 इसमें जोड़ मत देना कभी, इसको 190 बना दो, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये प्रतिशत है और ये रुपए है, तो लिखने का तरीका ये होना चाहिए आपका। 80 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है, और लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे, और क्रय मूल्य इस टाइम कितना है, 95, तो 95 पे 20% का लाभ, तो 20% का लाभ होगा तो टोटल 120% में बेचा जाएगा, और क्रय मूल्य का 120% यानी 95 का 120% आप फाइंड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटा 19, 5 दूनी 10, 2 से काटा 6, 19 × 6 करोगे तो 114%। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर 95 का पहले 20% निकाल लो, और फिर 95 में ये 19 जोड़ दोगे तब भी यही आएगा। यानी पहले 110% में बेचा जा रहा था, अब 114% में बेचा जा रहा है, तो दोनों में कितने प्रतिशत का अंतर हुआ, 4% का, और रुपयों के रूप में कितने का अंतर है, 80 रुपए का, तो हम कह सकते हैं कि 4% बराबर 80 रुपए, और क्रय मूल्य पूछा गया है तो 100% बराबर कितना, तो 80/4 नीचे इंटू 100, इसको सॉल्व कर लीजिए तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गाइज 2000 रुपये। डियर फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। थैंक यू।